अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको खीर बनाने की रेसिपी दूंगी। तो खीर बनाने के लिए जो जो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है वो है, सबसे पहले दूध। ये दूध मैंने लिया है, तकरीबन 2 लीटर के करीब दूध है जो कि मेरे पास ये बोतल में रखा हुआ है। उसके बाद ये मेरे पास एक प्याली चावल है जो कि 2 लीटर दूध के अंदर मैं ये चावल डालूंगी। पहले से मैंने ये बॉईल करके रख लिए हैं और इसको अलग-अलग करके तो फिर दूध के अंदर हम शामिल करेंगे। तो इसके साथ ही ये मेरे पास केवड़ा है, ये देखें, ये केवड़ा डालेंगे इसके अंदर हम। फिर उसके अंदर ये चीनी है जो कि 2 कप इसके अंदर डालेंगे। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं। फिर ये मेरे पास बादाम है जो कि भिगो के आपने इसको बारीक बारीक काट लेने हैं। ये पिस्ताशू है, ये देखें, इसको भी आपने बारीक काट लेना है। और ये कार्डमम है, इसको आपने इस तरह से खोल के इसके सीड्स निकाल के तो साबुती दूध के अंदर हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे तो कि दूध को एक देगची में डालकर इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब बॉईल करेंगे तो फिर उसके बाद ये चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद तकरीबन ये आधा घंटा, घंटे के करीब ये पकेगी तो फिर ही हमारी खीर मज़े की रेडी होगी, जो कि मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। इसके अंदर मैं अब ये चावल जो हैं ये सारे शामिल कर दूंगी। चावल डालने के बाद कि ये जो मैंने इलायची आपको बताई थी ये सारी इसके अंदर डाल के, तो बस अब हमने इसको हल्की आग पे पकने के लिए रख देना है और साथ साथ इसके चम्मच जरूर मारते जाना है ताकि ये नीचे से लगने नहीं पाए। खीर हमेशा नीचे लग जाती है चावल डालने के बाद, आप कोशिश कीजिएगा कि ये नीचे ना लगने पाए और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें आप चम्मच हिलाती रहिए। हाफ एन आवर पकाने के बाद मैंने इसको देखे, तकरीबन चावल भी हमारे अच्छी तरह से मिल गए हैं। और इसको ज्यादा मिक्स करने के लिए, टाइम बचाने के लिए हम ये करेंगे कि दूध का देखे कलर, जो मैंने पूरी बोतल एक दूध की डाली थी वो पक के आधी रह गई है। तो अब मैं इसको ये करूंगी कि ग्राइंडर के साथ जो चावल थोड़े मोटे रह गए हैं हम उसको थोड़ा सा बारीक करेंगे ताकि ये खीर के अंदर अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। अगर हम इसको तकरीबन 2-3 घंटे पकाते रहेंगे तो फिर ये जो है चावल जो है वो जाके हमारे अच्छी तरह से मैश होंगे, जो कि हमारे पास टाइम नहीं होता इतना ज्यादा, तो हमें जल्दी हर काम करना होता है। तो आपको जल्दी अपनी खीर बनाने के लिए तो आप ग्राइंडर यूज कर सकते हैं। तो अब हम ये करेंगे कि इसके अंदर मैं चीनी ऐड करूंगी। जब दूध आपका बिल्कुल ये हो जाए कि खीर आपकी तकरीबन रेडी है, आपने इसकी तेज आग कर देनी है। तो इस सूरत में आपने इसके अंदर चम्मच जो है कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि जो हमारी खीर है वो नीचे लगने नहीं पाए। तो बस हम इसको गाढ़ी करेंगे। गाढ़ी करने के बाद जब देखें कि साथ ही अब हम इसके अंदर चीनी में ऐड करूंगी ताकि जो चीनी का पानी है वो अच्छी तरह से भी खुश्क हो जाए। और फिर जो मैंने आपको ये बादाम और पिस्ता बताया था वो भी सारा आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। केवड़ा अभी हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, वो हम बिल्कुल एंड में करेंगे जब हमारी खीर बिल्कुल रेडी होगी। तो बस आपने अब तेज आग करके इसको अच्छी तरीके से गाढ़ा कर ले। जब इसके बबल्स बनना शुरू हो जाए तो समझे कि आपकी खीर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अभी देखिए ये गाढ़ी हो रही है तकरीबन, लेकिन अभी तक रेडी नहीं हुई। तो आज तो मैं आपको टिप बताती चलूं कि जो हमारा आज का टिप है वो भी ब्यूटी से रिलेटेड है। टिप हमारा ये है कि आप फेस के लिए आप पैक बना ले जो कि आपके स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो करेगा। आप सुबह मॉर्निंग में अगर यूज करें तो ज्यादा बेटर है। पैक इस तरह आपने बनाना है कि थोड़ा सा आप दूध ले लें, तकरीबन 4 स्पून
ले लें और 2-3 ड्रॉप्स आप लेमन जूस ले लें। और आपने ये करना है कि दूध लेकर उसको माइक्रोवेव में या चूल्हे पे या किसी तरह भी आप उसको हल्का सा वार्म कर लें, बहुत ज्यादा उसको हमने पकाना नहीं है या बॉइल ही करना, सिर्फ आप उसको वार्म कर लें। और लेमन के जो 2-3 ड्रॉप्स हैं वो आप उसके अंदर स्क्वीज कर दें, ताकि उसको मिक्स नहीं करना, बस स्क्वीज करके आप उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दें। और छोड़ने के बाद आप देखेंगे 2-3 मिनट के बाद कि दूध अलहदा हो गया और पानी उसका बिल्कुल अलहदा हो गया। तो आपने ये करना है कि किसी भी छल्ली में उसका पानी अच्छी तरह से निकाल कर, तो जो आपके पास दूध का बचा हुआ पनीर बचेगा वो आपने उसको हाथों के ऊपर मसल कर आपने फेस के ऊपर सारे अप्लाई कर लेना। फेस के ऊपर अप्लाई करने के बाद आप उसको तकरीबन 4-5 मिनट के लिए छोड़ दें। 4-5 मिनट छोड़ने के बाद जब आप उसको अच्छी तरह मसल कर आप अपने हाथों से उस पैक को आप उतारे और नीम गर्म पानी से आप अपना फेस वॉश करें, आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, उससे आपका फेस का कलर भी स्लोली स्लोली चेंज होता जाएगा उससे, क्योंकि जो दूध है उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें शामिल है कि जो हमको पता नहीं है, जो कि हमारी स्किन को हमारी बॉडी को मॉइस्चराइजिंग देता है। तो अगर हम किसी भी तरीके से उसको इस्तेमाल करें तो वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो आज का मेरा टिप ये था, मैं उम्मीद करती हूँ आपको जरूर मेरा ये टिप पसंद आया होगा। आप डेली नहीं तो वीक में कम से कम 2-3 मर्तबा तो ये पैक जरूर यूज किया करें। तो हमारी खीर बिल्कुल ये रेडी है, ये देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब इस सूरत में मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो क्योड़ा डालूंगी इसपे, जो कि इसमें से बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। ये देखें बहुत ही मजे की है, गाढ़ी गाढ़ी सी हमारी खीर रेडी है। बस आपने इसको ये करना है कि बस इसको अच्छी तरह से आप गाढ़ा कर लें, जब इसके इस तरह से बबल बनना शुरू हो जाए तो ये बिल्कुल रेडी है। इसका कलर भी बहुत अच्छी तरह से चेंज हो गया है। अब इसको बाउल में निकाल के फ्रिज में रखें और ठंडा होने पे खाएं, ये बहुत ही मजे की लगे।